हेलो दोस्तों, हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पॉलीनोमियल। तो क्लास टेंथ का ये सेकेंड नंबर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो एक एक एक्सरसाइज का हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करके, प्लस उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट क्या फार्मूले हैं, सब डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले इंट्रोडक्शन देखता हूँ कि पॉलीनोमियल का मतलब होता क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉली, दो शब्दों से मिलकर बना है पॉलीनोमियल, ठीक है, नोमी यस। तो पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब टर्म, ठीक है। तो पॉलीनोमियल मतलब मेनी टर्म, बहुत सारे टर्म से मिलकर जो बना होता है हमारा क्या कहलाता है, पॉलीनोमियल। इसको बहुपद भी हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद, जिसमें पदों की संख्या एक से ज्यादा हो। अब सपोज कर लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दो 2x, तो ये क्या है, एक टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। अगर इसमें 2 प्लस हम कुछ भी जोड़ दे रहे हैं, 3 जोड़ ले रहे हैं, तो ये पॉलीनोमियल हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पे टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीनोमियल है। तो अब इसमें देखेंगे कि कितने हमारे वेरिएबल होते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे x कोफिशिएंट है। अगर यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर और x प्लस 4, तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। अगर यहाँ पे बात करें 2x स्क्वायर प्लस y प्लस z, तो यहाँ कितने वेरिएबल है दोस्तों, 3 वेरिएबल। यहाँ पे x है, y है, z है, तीनों वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने हमारे टाइप के वेरिएबल क्वेश्चन में देखते हैं। तो एक ही फॉर्म का हो, जैसे एक्स एक्स के फॉर्म में हो, तो वो एक वेरिएबल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे दूसरा है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये जितने भी यहाँ टर्म आएंगे उतने वेरिएबल का क्वेश्चन आपका होगा। अब बात करते हैं, ये तो बेसिक सा नॉलेज था इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलीनोमियल का। तो एक तो होता है पॉलीनोमियल, दूसरा होता है पॉलीनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं 2x प्लस 7 लिख दे रहा हूँ, तो ये एक पॉलीनोमियल है, एक पॉलीनोमियल हमारा लिखा हुआ है। अगर हम इसको लिख दूँ 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये पॉलीनोमियल इक्वेशन हो गया। इक्वल टू 0 जैसे ही हम लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पॉलीनोमियल इक्वेशन होता है। तो दोस्तों अब यहाँ बात उठती है कि पॉलीनोमियल इक्वेशन कितने टाइप का होता है। तो यहाँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पहला आपका होता है लीनियर, क्या होता है, लीनियर, क्या होता है, लीनियर। सेकंड जो होता है हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्या होता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। थर्ड क्या होता है, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक। अब बात करते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब ये हुआ जिसकी, यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, ax प्लस b, जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है, जिसकी पावर 1 होती है, तो वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, जिसका जनरल फॉर्म है ax प्लस b। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये कुछ इस तरीके का इसका जनरल फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, कितना है, 2, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात पॉलीनोमियल। अब बात करते हैं क्यूब, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम पावर x का है वो कितना है, 3, तो ये क्या कहलाता है, त्रिघात, क्या कहलाता है, त्रिघात पॉलीनोमियल, ठीक है। अगर इनके आगे हम अगर 0 लगा दें, तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्या हो जाएंगे, त्रिघात मतलब क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर 0 नहीं लगाएंगे, तो ये एक पॉलीनोमियल है। तो ये होता है डिफरेंस पॉलीनोमियल और पॉलीनोमियल इक्वेशन में। तो बेसिकली हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो हम इसमें पढ़ने वाले एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, लीनियर से पूछेगा या क्वाड्रेटिक से पूछेगा या क्यूबिक से पूछेगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर पावर जिसका एक रहेगा वो क्या होता है हमारा, लीनियर, ठीक है, रेखीय समीकरण जिसे बोलते हैं, रेखीय। और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, जिसका पावर क्या होता है, 2, मैक्सिमम पावर 2।
और क्यूबिक का मैक्सिमम पावर कितना होता है? 3। तो ये होता है इसका जनरल इक्वेशन, और ये आपका डिफरेंस होता है अगर हम जीरो आगे लगा देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है या लीनियर इक्वेशन हो जाता है या क्यूबिक इक्वेशन। अदरवाइज अगर जीरो इक्वल टू नहीं लगा तो वो क्या है? एक पॉलीनोमियल है। अब चलिए चैप्टर नंबर 1 अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सब चीज डिस्कस कर लिया कि क्या क्या होता है, ठीक है, पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये सब हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। चलिए 8.1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद था कि ये आपको क्लियर होना चाहिए, लेक्चर से स्टार्ट होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए पॉलीनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, 2.1 से। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलीनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ग्राफ का टेंशन है कि ये ग्राफ आप कैसे समझेंगे, तो ये ग्राफ का टेंशन छोड़िए, नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें ग्राफ डीपली हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले निकालते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है जीरोज, ठीक है, तो जीरोज का मतलब आप समझो पहले, जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट खींच दीजिए, क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब इसमें इधर क्या होता है, माइनस, इधर नीचे माइनस, ऊपर प्लस, इधर प्लस, ठीक है। अब जितने भी एक्स एक्सिस पे जो कट्स होते हैं, जो कट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, अब इन कट्स से जो हमारे कर्व है, जो हमारा जो ग्राफ है वो गुजरेगा, कितने कट्स करेगा, वही हमारा कहलाता है जीरो। सपोज करो कि मैंने एक लाइन गुजार दी, तो एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, एक, ठीक है, तो इसके कितने जीरोस हुए, जीरोस हुए यहाँ पे 1। अब सपोज कर लीजिए दूसरा ग्राफ ले लीजिए, पैराबोला का ऐसे कुछ गया, तो कितने कट कर रहा है, 2, तो यहाँ कितने जीरोस, 2 जीरोस। बस यही आपको मतलब समझना था, कितने जीरो वो पूछ रहा है, तो कितने कट आ रहे हैं वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब एक्सरसाइज आपको समझाता हूँ एक एक ग्राफ को सॉल्व करके, ठीक है। तो ये होता है जीरोस का मतलब, जितना भी एक्स एक्सिस पे जो भी ग्राफ है वो कट करेगा, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोस। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है, पहला पिक्चर उठाते हैं यहाँ पे। पहला पिक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिया है, ये स्ट्रेट लाइन गुजार दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कोई कट कर रही है लाइन, नहीं, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे नॉन जीरो, नॉन जीरो होंगे, यानी कोई भी जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। आप सिंपल सा देख सकते हैं, कोई कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, नहीं। सेकेंड देखिए, सेकेंड कुछ इस तरीके से आपका है, यहाँ से लाइन ऐसे चल के ऐसे गई, तो यहाँ पे एक कट आ रहा है, ठीक है, तो ये कितने जीरोस हुए आपके, टोटल नंबर ऑफ जीरोस 1 आ रहे हैं। सिंपल सा देखिए, वहाँ एक कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे देखना है कितने कट्स आ रहे हैं। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया है, ये गया ऐसे ऐसे। अब देखिए एक कट्स, दो कट्स, तीन कट्स, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए आपके, 1, 2, 3, कितने, 3। चलिए फोर नंबर पे चलते हैं, फोर नंबर आपका कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो कितने कट्स, 2 कट्स, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए आपके, तो नंबर ऑफ जीरोस जो आए वो आए आपके 2, एक कट्स, 2 कट्स, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर का, फोर नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर आपको दिया है कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया है, चलिए यहाँ से लाइन गई और यहाँ आई, फिर यहाँ चली गई, ठीक है, फिर यहाँ आई, तो एक कट्स, दो कट्स, तीन कट्स, 4 कट्स, ठीक है, 4 कट एक्स एक्सिस पे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4, ठीक है। अब आ गया लास्ट, लास्ट आपका दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ से लाइन गई, फिर यहाँ आके टच हुई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आके टच हुई, फिर ऐसे निकल गई, ठीक है, तो 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके,
कितने कट पे वो कर रही है, 3 पे। तो ये आपका टोटल एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप बस ये देखना है आपको इस एक्सरसाइज में, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है ग्राफ वाला, तो आप एक्स एक्सिस पे देखना कितने कट्स मार रहा है लाइन, ठीक है, कितना ग्राफ कट करके जा रहा है। जैसे यहाँ पे कोई कट नहीं कर रहा तो 0 नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1, 1 कट कर रहा है तो 1। और फिर आ जाइए थर्ड नंबर में, देखिए 1, 2, 3 तो कितने, 3। और नंबर 4 पे आइए तो 2, 2 कट्स, यहाँ पे कितने कट्स, 4, यहाँ पे 3। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट हमने कर लिया है। तो जो है इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का, और ये एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर ऐसा ग्राफ आपसे पूछता है तो आप खींची से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बस कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एक्स एक्सिस पे जितना कट्स लगेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ में आती है, थोड़ी सी भी हेल्प करती है, ठीक है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।